I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सबको चैनल। दोस्तों, ये है रियलमी 7 प्रो का रिटेलर बॉक्स जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। इस वीडियो में मैं इसके अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट, बैटरी टेस्ट सब कुछ करने वाले हैं। अगर आप ये फोन लेने की सोच रहे हैं तो क्या है इस फोन के कुछ खास फीचर और क्या है इस फोन में खामियां, सब इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। नाउ सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट से कुछ इसी तरीके का बॉक्स हमें मिलता है, उसके बाद में हमें असली बॉक्स मिलता है जो कि कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अगर बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो सबसे ऊपर सलमान भाई की फोटो लगी हुई है और Realme 7 Pro की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इसके दोनों बाजू में Realme 7 Pro की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। वहीं इसके बैक साइड में सुपर AMOLED डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 720G प्रोसेसर, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो कि सच में काफी फास्ट है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। नाउ इसके ऊपर भी हमें एक पॉली रैप मिलता है जो कि बहुत ही थिन है, इसलिए इसको निकालने में काफी अच्छा लगता है। अब मेन बॉक्स पर आते हैं जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है देखने में। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें एक पाउच मिलता है जिसको अभी के लिए साइड में रख लेते हैं। इसके नीचे हमें फोन मिल जाता है, इसको भी अभी के लिए साइड में रख लेते हैं और लास्ट में हमें मिलता है चार्जिंग केबल जो कि USB टाइप सी केबल है और इसी के साथ में पावर ब्रिक मिल जाता है जो कि यूजुअल हमें व्हाइट कलर का ही मिलता है और ये काफी हैवी वाला अडैप्टर है जो कि 65 वोल्ट की चार्जिंग के साथ में आता है। इनके अलावा इस पाउच में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक केस कवर मिलता है जो कि ठीक ठाक है, 4 से 5 महीने आपके निकाल देगा। नाउ अब आते हैं फोन पर। तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल किया गया है और ये रैप निकालने का एक्सपीरियंस भी काफी जबरदस्त होता है जब भी आप कोई नया फोन लेते हैं। तो फोन हमने ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, इसके अलावा इसमें सिल्वर कलर भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको कौन सा कलर पसंद है बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो फोन को ऑन करके सेटअप कर लेते हैं, जब तक इस फोन का ओवरव्यू देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन की। तो यहाँ पर इसके बैक में मैट फिनिश मिल जाता है, ग्लॉसी बैक नहीं मिलता जिसमें कि ग्रेडियंट डिजाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस इतनी आसानी से नहीं आने वाले। वहीं अगर इसके प्रीमियमनेस की बात की जाए तो फोन होल्ड करने में काफी इजी होता है, स्लिपी नहीं होता, बट इसके मैट फिनिश डिजाइन पर इतने ज्यादा फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं जो कि इजिली रिमूव नहीं होते। अगर आप नॉर्मल ग्लोसी बैक पैनल वाला फोन लेते हैं तो उन पर आराम से इमेजेस रिमूव हो जाते हैं, बट इस पर नहीं होते। वहीं बात करें इसके कैमरा मॉड्यूल की तो ये भी काफी अच्छा लगा मुझे, इतना ज्यादा बाहर नहीं है जितना कि आजकल सभी फोन में मिलते हैं। अब बात करें पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की तो इसके बॉटम में हमें टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए मिल जाता है, 3.5 mm हेडफोन जैक, माइक और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है जिसके ऊपर हल्का सा गोल्डन डिजाइन दिया गया है और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रोकर विद सिम ट्रे मिल जाता है जो कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है और रियलमी के ऑलमोस्ट सभी फोन में हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया जाता है। ना फोन सेटअप हो चुका है और फोन में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई भी ब्लोटवेयर एप्स वगैरह नहीं मिलते सिवाय Realme और Google एप्स के। इसके अलावा Amazon और Facebook की ऐप भी मिलती है जिनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। बात करें इस फोन के OS की तो इसमें हमें Android 10 मिलता है जो कि Realme 1.0 पर मिलता है। वहीं ये फोन 6+128GB वेरिएंट है। बात करें इसके मेमोरी की तो इसमें कोई भी ऐप, गेम वगैरह कुछ भी हमने इंस्टॉल नहीं किया है और 128GB में से 15GB मेमोरी यूज्ड मिलती है। ना बात करें फोन के डिस्प्ले की तो इसमें हमें 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है जो कि एक सुपर AMOLED डिस्प्ले है और वहीं ये डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और इसमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जो कि इस रेंज में काफी जबरदस्त फीचर हो जाता है। तो अगर आप इस फोन को आउटडोर में भी यूज करते हैं तो भी इसमें इजिली विजिबल हो जाएगा। तो मैंने इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में भी और थोड़ा शेडो में भी यूज किया तो सुपर AMOLED डिस्प्ले में काफी अच्छे कलर वगैरह देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं तो ये फोन 15 मिनट में ही हीट अप हो जाता है और इस पर वार्निंग नोटिफिकेशन आने लग जाता है और इसकी डिस्प्ले में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट तो नहीं है बट ठीक ठाक है, काम चल जाएगा इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। लास्ट इस फोन के कॉस्ट कटिंग की बात की जाए तो गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन इसमें मिलती है जबकि Redmi अपने 10,000 के फोन में भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देती है, तो Realme को इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन तो देनी ही चाहिए थी। वहीं इस पर पहले से ही स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ आ जाता है। तो ओवरऑल फोन का डिजाइन और डिस्प्ले काफी सही मिलते हैं इस प्राइस के अकॉर्डिंग। ना बात करें इस फोन के कैमरा की तो इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सोनी IMX682 लेंस दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। इंडोर फोटो की बात की जाए तो ये काफी अच्छी डिटेल कैप्चर कर लेता है, साथ में कलर थोड़े से पंची भी मिल जाते हैं तो आफ्टर फोटो एडिटिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहीं आउटडोर की बात करें तो ये नॉर्मल फोटो काफी अच्छे से कैप्चर करता है बट वहीं इस ट्री को इसने डार्क कर दिया है जबकि इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आप देखेंगे तो इसमें अच्छे से कैप्चर किया है इसने फोटो जिसमें कि व्यू एंगल भी काफी अच्छे आए हैं। वहीं क्लोजअप पिक्चर की बात करें तो
ये भी काफी अच्छे से क्लिक की है। अगर बात करें इसके मैक्रो लेंस की तो वो काफी ज्यादा बेकार लगा मुझे, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस इसमें मिल जाता है, तो मैंने इससे 2-3 फोटो खींची, कोई भी अच्छे से फोटो क्लिक नहीं हो पाई और सभी फोटो मोस्टली ब्लर होती जा रही है। पता नहीं इसके या तो सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है या कुछ मेरे इस डिवाइस में। ना बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा की, तो इसमें हमें फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि नॉर्मल फोटो काफी अच्छे से क्लिक कर लेता है, बट वहीं पोर्ट्रेट मोड में इसने बैकग्राउंड को काफी ज्यादा व्हाइट कर दिया है, तो पीछे क्या था वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। अगर इंडोर की बात करें तो इसके पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा वाइड है इसके नॉर्मल मोड से, जो कि काफी अच्छा रहेगा ग्रुप सेल्फी वगैरह लेने में। बात करें इस फोन के वीडियो कैमरा की, तो इसमें हमें मूवी मोड वगैरह मिल जाते हैं, तो वीडियो वगैरह बनाने में ये फोन काफी अच्छा मदद करेगा आपकी, वहीं इस फोन में से आप 4K वीडियो तक बना पाएंगे। तो ये है सैंपल इसके 1080p पर जो कि हमने नॉर्मल वॉक करते हुए बनाए हैं, तो आप स्टेबिलाईजेशन देख ही सकते हैं कि किस तरीके की इसमें स्टेबिलाईजेशन मिलती है। वहीं इसके 4K मोड में भी स्टेबिलाईजेशन काफी अच्छी मिल जाती है, साथ में डिटेल भी ज्यादा कैप्चर अच्छी करता है और कलर भी पंची बना देता है, तो इसका 4K वीडियो मोड काफी अच्छा है। अगर इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो वगैरह कैप्चर करते हैं तो ये भी काफी अच्छा काम करता है। वहीं इसमें बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट करने का मोड भी आपको मिल जाता है, तो ये फीचर इसमें काफी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा इसके नाइट मोड की बात करें तो वो सब फुटेज मुझसे डिलीट हो गई थी, बट नाइट मोड इस फोन का सच में काफी जबरदस्त है। ना बात कर लेते हैं अब इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इसमें हमें क्वालकॉम 720G प्रोसेसर मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो इस फोन पर हमें सभी गेम को काफी टाइम तक प्ले किया जिसमें कि कॉल ऑफ ड्यूटी, एसफोर्टनाइट एंड फ्री फायर, तो ये फोन बिल्कुल भी हीट अप नहीं हुआ और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस हमें इस पर मिल जाता है। फिर चाहे आप इस पर बाद में पबजी वगैरह भी खेलेंगे तो भी ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। इसी के साथ में इसमें 6+128GB स्टोरेज मिल जाती है। ना बात करें इस फोन के सबसे मेन हाईलाइट फीचर बैटरी की, तो दोस्तों मैंने इस फोन को काफी अच्छे से टेस्ट किया है बैटरी के मामले में, तो अगर आप एक फास्ट चार्जिंग वाला फोन लेना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा इस प्राइस रेंज में। इस फोन में हमें 4500mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 65W की चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है, तो कंपनी क्लेम करती है कि इस फोन को 34 मिनट में फुल चार्ज कर देगी, बट रियल लाइफ में जब आप इस पर गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ एप्स वगैरह इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये इतनी जल्दी चार्ज नहीं होने वाला। इस फोन का ये सब टेस्ट करने के लिए पहले तो इसको बिल्कुल जीरो कर दिया था, यानी कि इसमें 1% भी बैटरी नहीं थी, तभी मैंने चार्जर लिया और इसमें लगा दी, साथ में स्टॉप वॉच को इसमें रख दिया था। तो फर्स्ट टाइम चार्जिंग में लगाने के बाद जब मैंने इसको चेक किया था तो 4 से 5 मिनट में फोन 15% चार्ज हो गया था, जो कि काफी ज्यादा फास्ट हो रहा था। वहीं ये चार्जिंग टेस्ट मैं फोन को स्विच ऑफ करके कर रहा हूँ जिससे कि नोटिफिकेशन वगैरह देखने को ना मिले। इसके बाद में 12 मिनट में ये फोन 37% चार्ज हुआ था। नेक्स्ट टाइम जब मैंने ये फोन देखा तो 18 मिनट में ये फोन 50% चार्ज हो गया था, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। अभी तक जितने भी मैंने फोन टेस्ट किए हैं उनमें ये सबसे फास्ट चार्जिंग मिल रही है। नेक्स्ट जो कंपनी क्लेम करती है 35 मिनट में, तो ये फोन 35 मिनट में 90% चार्ज हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और लास्ट 43 मिनट में ये फोन 99% हो गया था। इसके बाद में इसको हमने ऑन कर दिया था तो ये फोन 43 मिनट में 0 से 100% चार्ज हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे लगी। वहीं इस फोन में बैटरी बैकअप 1 दिन का आराम से आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल फोन काफी जबरदस्त है, फोन में इतनी कुछ खामियां देखने को नहीं मिलती, बट वहीं पर कुछ प्रॉब्लम मुझे इस फोन में ये मिली कि जब भी आप इस फोन पर फुल साउंड में कोई भी सॉन्ग या मूवी वगैरह प्ले करेंगे तो ये पूरा फोन वाइब्रेट करने लग जाता है उस साउंड की वजह से। इसका बैक पैनल काफी ज्यादा वाइब्रेट करता है, जो कि आपके हाथ में भी काफी ज्यादा फील होगा, जिससे कि थोड़ा सा चीप वाला फीलिंग इसमें आ जाती है। इसके अलावा इस फोन की डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी बैकअप, चार्जिंग टेक्नोलॉजी सभी काफी कमाल की मिलती है। तो अगर आपका इतना बजट है कि आप 20,000 रुपए खर्च करके ये फोन लेने की सोच रहे हैं तो इस टाइम पर ये काफी सही डील रहेगा, आप इसको ले सकते हैं। बाकी इतना था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।